नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं अंडा मलाई मसाला, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने लगभग 1 से 1.5 प्याज को काटा हुआ है और साथ ही हमने लिया है हरी मिर्च। इसे हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। और लगभग 3 चम्मच तेल हमने कढ़ाई में लिया हुआ है और उसमें हमने जो मिक्सर में पीसा हुआ है मसाला प्याज और मिर्ची, उसको हम इसमें डाल के फ्राई करेंगे हल्के हल्के। साथ ही थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है इसमें, क्योंकि इससे क्या है ये थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो साथ में 1 चम्मच अदरक जो पीसा हुआ है वो मैंने डाला है इसमें। अब हल्की आंच पे छोड़ दीजिए इसे। हल्के हल्के मसाले को आप पलटते रहिए जब तक कि उसका कलर ब्राउन ना हो जाए, थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सब अंडे की अलग अलग प्रकार की रेसिपीज़ बनाते हैं और बोर भी हो जाते हैं कि रेसिपी खा के, तो हम आज बनाने वाले हैं एक अलग तरह की रेसिपी और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो फ़िलहाल हम पहले मसाले को हम भून रहे थे, अभी आप देख सकते हैं मसाला थोड़ा सूख गया है। हम इसमें लगभग 1.5 लीटर दूध डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं लगभग 1.5 लीटर दूध, और फिर उसे हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे। इसमें आप देखेंगे बीच बीच में लम्स ढोके जैसा फॉर्म हो जाएगा, लेकिन आपको धीरे 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 करके उसे सबको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। क्योंकि हम थोड़ा गाढ़ा ही रखना चाहते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा दूध ऐड नहीं कर रहे हैं। लगभग 1.5 लीटर दूध हमने ऐड किया है और उसको हम धीरे धीरे मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करके इस तरह से कर देंगे कि सारा जो इसमें मसाला था भुना हुआ वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं लगभग 1 चम्मच जीरा पाउडर और साथ ही 1 चम्मच गरम मसाला। और आप देख सकते हैं काली मिर्च लगभग आधी चम्मच हमने इसमें ऐड की है और उसे भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि मसाले में टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और चलिए अब इसे हम रख देते हैं, पहले थोड़ा नमक ऐड कर लेते हैं इसमें और फिर इसे मिक्स करके इसे रख देंगे हम ढक के पकने के लिए। तो ये हमने रख दिया इसे पकने के लिए, ढक दिया है और लौटेंगे हम लगभग 15 मिनट बाद। तो आप देख सकते हैं पहले से हमने अंडे काट के रखे थे, अंडे को 2 टुकड़े में हमने काटा है और आप उस अंडे को इसमें डाल सकते हैं। हमने लगभग 6 अंडे का यूज़ किया हुआ है, 6 अंडों को हमने आधे आधे पे काटा है और सारे अंडों को कुछ इस तरह से हम रख देंगे मसाले में। और लगभग 5 मिनट के बाद हम लौटेंगे और उसे अच्छी तरह से पलट देंगे। ध्यान से पलटिएगा ताकि अंडे के अंदर का जो येलो पार्ट है वो बाहर ना आए। एक एक करके सारे अंडे के पीसेस को हम पलट देंगे और ये देखिए 10 मिनट बाद आप देखेंगे तो ये रेसिपी तैयार है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप भी इसे ट्राई कीजिए और हमें बताइए आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।